मऊ में इस युवक की चालाकी उस समय काफूर हो गई जब इसने 2 लाख रुपए लूट की बात कही। जी हां, आपको बता दें कि कोपागंज स्थित दोषपुरा में इस युवक ने बैंक के सामने अपनी गाड़ी की डिग्गी से 2 लाख रुपए की लूट का मामला बताया था। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि मामला कुछ और ही है। इस बीच अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवननाथ त्रिपाठी ने जो खुलासा किया उसे जरा गौर से सुने। आज दिन में लगभग 2 बजे के आसपास थाना कोपागंज के बाजार में ही त्रिपाठी पेट्रोल पंप के पास यशवंत मौर्या ने, जो कि पास में ही स्थित यूनियन बैंक के जनसेवा केंद्र पर पैसा जमा करने गए थे और 3,000 रुपये वहाँ उन्होंने जमा किया। थोड़ी देर बाद वो उन्होंने जा करके फिर जनसेवा केंद्र पर बताया कि मेरे टिक्की में रखे 2 लाख रुपए किसी ने निकाल लिए। इस सूचना पर जब उनको थाने ले आके पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि उन्होंने कुछ पैसे अपनी महिलाओं के खाते में, जो उनकी जानने वाली हैं, और कुछ पैसा अपने मित्रों को भेजा गया है। 1 लाख रुपए जो उन्होंने प्राप्त किए थे अपने पिता से, वो कैसे खर्च हो गया इसी को छिपाने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए गायब होने का ड्रामा बनाया था। बात पूरी स्पष्ट हो चुकी, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। नाम है यशवंत कुमार मौर्या। कहाँ के रहने वाले हैं? दोस्तपुरा। क्या हुआ है आज? घर से पैसा लाए थे बैंक में जमा करने के लिए। कितना पैसा था? 2 लाख। हाँ, क्या हुआ फिर वहाँ से आए थे जमा करना था पैसा, तो 2 लाख रुपया था, तो यहाँ पे शाखा पे आए सबसे पहले। कुछ पैसा जमा करना था, कम था, तो यहाँ पे पूछे हैं कि, तो पहले 3,000 रुपया इनको दिए हैं, कहें जमा करना है 3,000 रुपया, फिर दिए हैं, तो फिर इनको बोले हैं कि रुकिए कुछ देर, 2 लाख रुपया जमा करना है, जमा करना है 2 लाख रुपया। पैसा कहाँ रखे थे? टिक्की में। डिग्गी में छोड़ करके पैसा गए थे जमा करने के लिए? हाँ, रोज बैग में लाते थे, मतलब आज बैग धुले थे तो उसके लिए डिग्गी में रख के ला दिए हैं। क्या कोई पीछे से भी पीछा कर रहा था क्या? ये ध्यान नहीं दिए हैं। ये कब की घटना है? ये 2 बजे के लगभग।